हेलो किड्स, देखिए आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 16 टाइम, जिसमें हमने टाइम देखना सीखा। और आज हम सीखेंगे अबाउट डेज नेम, डेज ऑफ द वीक। आपको पता है हमारे जो एक वीक होता है उसमें कितने डेज होते हैं? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अक्सर जब हम डेज बोलते हैं तो सबसे पहले हम संडे से स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट डे जो होता है वो वीक का होता है मंडे। कौन सा होता है? मंडे। देखिए MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूजडे, WEDNESDAY वेनसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे एंड SUNDAY संडे। संडे जो है वो आपका लास्ट यानी कि सेवंथ डे होता है और मंडे जो है ये आपका फर्स्ट डे होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द वीक, सॉरी विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो आप बताएंगे मंडे, नॉट संडे। संडे हम बोलते हैं बट आपका फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे, FIRST फर्स्ट। एंड विच इज द सेकेंड डे? ट्यूजडे, SECOND सेकेंड। एंड थर्ड डे वेनसडे, THIRD थर्ड, THURSDAY थर्सडे, थर्सडे इज फोर्थ डे, थर्सडे इज फोर्थ डे। एंड फ्राइडे इज फिफ्थ, ओके। सैटरडे सिक्स, एंड लास्ट डे ऑफ द वीक संडे सेवंथ, ओके। तो ये आपके सेवन डेज होते हैं वीक में, जो मंडे से स्टार्ट होते हैं और संडे पर फिनिश होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें डेज के थ्री पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर आप बात कर रहे हो आज के बारे में, अभी के बारे में, तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट डे। कौन सा डे बोलेंगे? प्रेजेंट डे। और आज के दिन से जो पहले यानी कि कल का दिन था, कि कल हम स्कूल गए थे या कल मैंने मूवी देखा था या मैंने कल कार्टून देखा था, तो वो हो गया आपका यस्टरडे। बोल तो उसको कल ही रहे हैं लेकिन उस वो हो गया आपका यस्टरडे। और अगर बात करें हम आने वाले कल की यानी कि नेक्स्ट डे की, कि कल हम मंदिर जाएंगे या कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो वो होगा आपका टुमारो, ओके। ये डेज के आपके थ्री पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट डे जो अभी चल रहा है, यस्टरडे यानी कि जो निकल गया बीता हुआ कल, और टुमारो यानी कि आने वाला कल। समझ आया आपको डेज के बारे में? तो आपका होमवर्क यही है, आपको ये डेज नेम अपनी नोटबुक में प्रॉपर ब्लॉक्स में लिखने हैं और उन्हें अच्छे से लर्न करना है, ओके, बाय।